नमस्कार, आप देख रहे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया। स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश में। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह के लिए अयोध्या वासी पूरी तरह से तैयार हैं। धर्म नगरी में ना सिर्फ लाखों घरों तक महाप्रसाद पहुंचाने की तैयारी हो रही है, बल्कि गली चौराहों और मंदिरों को भी दिव्यतम रूप से सजाया जा रहा है। अयोध्या में माहौल एक बार उसी तरह होने लगा है जैसे भगवान राम वनवास के बाद अयोध्या लौट रहे हों। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। भगवान राम अब अपने महल में विराजेंगे और उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसकी नींव रखने का काम करेंगे, लेकिन अयोध्या में कितनी खुशी है, कितना उल्लास है, उसकी एक वानगी आपको मैं दिखाता हूं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, लड्डू ही लड्डू आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए, चारों तरफ सिर्फ लड्डू ही लड्डू है। ये पूरे अयोध्या जिले में बांटे जाएंगे और इसको बांटने का काम करने जा रहे हैं यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद लल्लू सिंह के सहयोग से ये सारा का सारा लड्डू जो है वो बांटा जाएगा। और इसके लिए कई दिनों से तैयारी चल रही है। आप देखिए कितने सुंदर, कितने मोहक लग रहे हैं। और ये एक तरीके से प्रसाद के तौर पे पूरी अयोध्या जिले के हर घर में जाएगा। आपको ये डिब्बा भी दिखाई पड़ रहा होगा जिसमें राम का जो मंदिर भव्य बनेगा, आप देखिए ये डिब्बा आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें राम का जो भव्य मंदिर बनेगा उसकी आकृति नजर आ रही है। यानी सब कुछ राममय हो गया है, लोग राम की भक्ति में डूबे हुए हैं। लोगों को लगता है कि अब मेरे राजा राम हमारे लिए आ रहे हैं, अयोध्या में वास करेंगे। वैसे भगवान तो देखिए कड़कड़ में हैं, लेकिन तंबू से निकल के अब वो अपने महल में आ रहे हैं। तो लोगों के मन में गजब का उल्लास है, गजब की खुशी है। और ऐसा नज़ारा शायद किसी को देखने को नहीं मिला होगा। वो लोग भाग्यशाली होंगे जो इस समय अयोध्या में होंगे, क्योंकि वो एक इतिहास के गवाह होंगे। हमारे साथ महान जी हैं, महान जी के देखरेख में जो है ये सारे जो लड्डू बनाए जा रहे हैं। महान जी, मैं चाहूँगा कि आप इधर आइए, यहाँ आइए। महान जी, मुझे ये बताइए कितने दिनों से आप लगे हैं इस सारे लड्डुओं को बनवाने में, क्या क्या काम करना पड़ा, और आपने लड्डू का विकल्प ही क्यों चुना, ये हमें जरा विस्तार से बताइए आपके। देखिए, ऐसा है कि लड्डू में तो आज हम लोग एक हफ्ते से लगे हुए हैं, सारी तैयारी कर रहे हैं। कोरोना के नाते सारे लोग अयोध्या नहीं आ सकते, इस नाते उनके मन में ये था कि हम लोगों को प्रसाद, तो हमारे सांसद जी ने ये सोचा कि जो लोग नहीं आ सकते हैं उनके लिए प्रसाद बना के अपने पूरे जिले में हर घर को प्रसाद मुहैया कराएं, जिससे लोगों की बहुत आस्था है, उससे प्रसाद मिलने से उनको अजीब प्रकार की अनुभूति प्राप्त होगी। अच्छा महान जी, मुझे ये बताइए कि कितना बेसन, कितना चीनी, कितना घी, अब तक कितना आप लगा चुके हैं ये सारा काम करवाने के लिए? देखिए, इसमें बेसन, चीनी और डालडा, इसका काउंट तो 500-600 टीन, 700 टीन घी आ चुका है, बेसन आ चुका है, चीनी आ चुकी है। 3 से 3.5 लाख डिब्बा आपके सामने इकट्ठा है, डिब्बा और स्टोर से आ रहा है, ये पैकिंग हो रही है। हम लोगों का प्रयास यही है खाली कि हर परिवार को प्रसाद मुहैया हो जाए। अच्छा, ये इसके पीछे उद्देश्य, क्योंकि देखिए रामलला तो अब अपने महल में आ रहे हैं, अपने मंदिर में आ रहे हैं, है ना। रामलला तो सबके दिल में है, मन में है, कड़कड़ में है, लेकिन ये जो उल्लास है, जो खुशी है, इसको कैसे व्यक्त कर रहे हैं? कैसे आप लोगों ने वो संघर्ष भी देखा है, राम मंदिर का आंदोलन भी देखा है, लोगों को गोलियां खाते हुए भी देखा है, तड़पते हुए भी देखा है, तो अब जब आप लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है, तब ये उत्सव मनाने का वक्त आया है। देखिए, ये पल इतना खुशी का है कि हर व्यक्ति फोन करके व्हाट्सएप पर प्रसाद के लिए ललायत है, और इतनी खुशी न कभी हुई है न आगे कभी होने वाली है। एक व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति भावुक है। जो लेबर हमारी काम कर रही है सहयोगी ग्रुप में, ये सब भी श्रद्धा के नाते नहा के धो के चप्पल बाहर निकाल के कि हम प्रसाद बना रहे हैं उसका पूरा पालन कर रही, हर व्यक्ति खुशी से इतना ललायत है जिसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे 3.5 लाख लड्डू डिब्बे में पैक किए जा रहे हैं और हर घर में ये लड्डू भेजे जाएंगे। हक है उनका, जो अयोध्या में रहते हैं उनका हक है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ के लोगों की मन के फीलिंग को समझा होगा, देखा होगा, उस दुख को देखा होगा, उस दर्द को देखा होगा। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब
महाराजा राम अपने महल में जाएंगे, अपने महल में विराजेंगे और देश और दुनिया को आशीर्वाद देंगे। अबुल के साथ गौरव और रोहित के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी। तो अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले 4 लाख लड्डुओं को बनाने का काम जारी है। अयोध्या के विभिन्न स्थानों पर 1 लाख परिवारों को बांटने के लिए इस महाप्रसाद का इंतजाम किया जा रहा है। महाप्रसाद बनाने में जुटे लोगों से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए एक बार। राम का प्रसाद कैसे तैयार किया जा रहा है वो हम आपको दिखाते हैं, कितनी मेहनत की जा रही है, इनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा प्रिपरेशन किया जा रहा है। आप देखिए, सुबह से लोग लगे हैं, चाशनी बन रही है, कहीं कोई बूंदी छान रहा है, यहाँ देखिए बूंदी छानी जा रही है, ये देखिए बूंदी छानी जा रही है। और इनसे मैं बात भी करता हूँ कि आखिर क्या क्या खास चीज़ें इसमें जो है इन्होंने इस्तेमाल किया है। क्या नाम है आपका? हम लोग लगे हैं 30 तारीख से। 30 तारीख से? 30 तारीख से लगे हैं। हाँ, में क्या क्या है इसमें है? चीनी है, रिफाइंड है, देसी घी है, यही सब मिल रहा है। अच्छा। हाँ, तो आपके मन में तो बड़ा उत्साह होगा। हाँ जी जी, प्रसाद बनाने का आनंद है, सौभाग्य है जो ऐसा मौका मिला। सौभाग्य मिला है? देखिए, इनका कहना है कि सौभाग्य मिला है मुझे ये प्रसाद बनाने का, और वाकई ये सारे के सारे लोग सौभाग्यशाली हैं जो भगवान राम के लिए प्रसाद बना रहे हैं। आप देखिए, ये सारे के सारे लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे जो है थोड़ी कम पीली बुनिया छानी जा रही है। अच्छा, वो जो ज्यादा वाली छानी जा रही है इसको दोनों को मिला देते हैं, इससे क्या होता है? ये दोनों मिक्स करके बनेगा। अच्छा, मिलके बनेगा। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं, आपको देखिए अलग अलग रंग यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए अलग अलग रंग दिखाई पड़ रहे हैं, बुनिया छाना जा रहा है। 3.5 लाख लोगों के लिए जो है प्रसाद बनना है। पूरे अयोध्या जिले में हर विधानसभा में इस प्रसाद को वितरित किया जाएगा, और अपने आप में एक अनूठा संयोग है। ये लोग भी अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं, इनको लगता है ये मौका इनको जो मिला है वो भी ईश्वर की देन है और शायद बहुत खुश हैं। आइए उन महिलाओं से भी बात करते हैं जो महिलाएं लड्डू बना रही हैं। देखिए, ये जो है लगातार 30 तारीख से इस काम को किया जा रहा है। ये देखिए प्रसाद का लड्डू जो है बड़ा। ये बताइए महान जी, ये लड्डू पहले भगवान को भोग लगेगा? जी जी। कब से बांटेंगे? नहीं, इसको हम 6 तारीख को सुबह से बांटेंगे। हाँ। और भोग लग के वहाँ वितरण होगा। एक बार जिस दिन बनने लगा था वहाँ सांसद जी ने भिजवाया, भोग लगवा दिया है, लेकिन फिर जाएगा भोग लगने के लिए, कल भी जाएगा। और भोग लग के आएगा 6 तारीख को सुबह से, कार्यकर्ताओं की गाड़ी लगेंगी, पूरे जिले में वितरण होगा। वितरण होना शुरू? जी, बहुत बढ़िया। आप लोग बताइए, आप लोग कितने कै दिन से लगे हैं यहाँ पे? यहाँ लोग 4 दिन से लगे हैं। 4 दिन से लगे हैं। लड्डू तो पहले भी बांधने हो गए, लेकिन ये प्रसाद बांधने का जो आनंद है उसका कुछ बताइए उसके बारे में। ये प्रसाद बनाने का हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए सौभाग्य है ये। क्या बात। देखिए, बहुत सारी महिलाएं भी लगी हुई हैं, ये भी लगातार जो है काम कर रही हैं। आप देखिए, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं काम कर रही हैं, और वाकई ये सौभाग्य की बात है। कब से लगी हैं आप? 4 दिन से। 4 दिन से लगी हैं। हाँ। तो आपको लग रहा है आपको मौका मिला है भगवान? हाँ। का प्रसाद बनाने बहुत का बहुत खुशी है। खुशी है? हाँ, बहुत खुशी है कि हमारे नसीब में थे, हम बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं। आपने देखा कि कितना उत्साह है, कितना उल्लास है लोगों में, कितने खुश हैं लोग। उनको लगता है कि भगवान का प्रसाद बना रहे हैं वो, जो हर घर को जाएगा, हर व्यक्ति को मिलेगा, और शायद उससे निकलने वाला जो प्रताप है उनसे उनका परिवार खुश होगा, उनके परिवार में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी, बच्चे आगे बढ़ेंगे। शायद यही कारण है, और यही कारण है कि ये सारे के सारे लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता और शायद सभी इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हैं। अबुल, गौरव, रोहित के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी।
तो 5 अगस्त यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। पूरी अयोध्या को सजाया गया है, सवारा गया है। और इस बीच अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा के अंदर आने वाले हर घर में प्रसाद के तौर पर लड्डू पहुंचाने का ऐलान किया। इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी हैं। लल्लू सिंह जी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पूरे जिले में लोगों को प्रसाद बांटने की जिम्मेदारी लल्लू सिंह जी निभा रहे हैं। तो हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मन में जो इनके ये श्रद्धा ये विश्वास जो आया है वो कैसे आया और कब से इस काम में लगे हुए हैं, लोगों को लगाए हुए हैं। सांसद जी, पहले तो इंडिया न्यूज़ में आपको बहुत स्वागत है। सुन रहे हैं, पूरा 14 लाख प्रसाद बंटवाएंगे, हर घर में जाएगा प्रसाद। 14 लाख परिवार थोड़ो जनप्रतिनिधि नहीं, नहीं परिवार तो कम है जी। हर घर में हमारी कोशिश है कि प्रसाद कोशिश कर रहे हैं। आप हमें ये बताया गया कि 3.5 लाख डिब्बे में बंटवाएंगे, जिसमें एक डिब्बे में 4 लड्डू होगा, तो उस हिसाब से उसका जो काउंटिंग होता है वो 14 लाख होता है। तो मुझे लगा कि भाई हर परिवार में पहुँच जाए। हाँ, तो वही हर परिवार में भेजने की कोशिश हम कर रहे हैं। और चूँकि अयोध्या जनपद में प्रभु श्री राम की जन्मस्थली, स्वाभाविक रूप से वैसे तो पूरी दुनिया में भगवान के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है, लेकिन अयोध्यावासी उनको अपना मानते हैं, घर का मानते हैं। इसलिए हमारे मन में यह भाव पैदा हुआ कि प्रसाद भगवान का, मोदी जी जब माननीय मोदी जी जब होम पूजन का कार्यक्रम करें उसके बाद प्रसाद का वितरण हर घर में होना चाहिए। और भी संस्थाएं प्रसाद बनवाने का काम कर रही हैं, तो वह सब मिल करके हम सब लोग योजना बना करके सबके घर में पहुंचे या व्यवस्था करें। 5 विधानसभाएं हैं आपके क्षेत्र में अगर देखें तो ये कब से प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद से कार्यक्रम शुरू करेंगे आप लोग? जी, 5 की शाम को हम भेजेंगे सब जगह और 6-7 प्रसाद बटेगा। हमारी लोकसभा में 5 विधानसभा है, हमारी जनपद में 5 विधानसभा है, एक हमारी विधानसभा दरियाबाद में लगती है, तो हम 6 विधानसभा में प्रसाद देते हैं, 6 में बंटवाएंगे। तो कब से लोगों को आपने लगाया है इस काम में? 6 तारीख को सुबह आएंगे, सब लेकर जाएंगे प्रसाद। निगरानी देखने उठने गए थे आप? सभी ग्राम पंचायतों में 2-2 आदमी इसके लिए संयोजक बनाएंगे, जो दो कार्यकर्ता। पहले से ही हमने मंडलों की बैठक में कह दिया था कि यह व्यवस्था बन जाए और गरीब के यहाँ पहले बटे और संपन्न लोगों के यहाँ बाद में बटे, इसलिए कि प्रभु श्री राम का जो वनवासी जीवन है 14 वर्ष, जिसके कारण आज वो सबके प्रिय हैं या सब श्रद्धा केंद्र, उस वनवासी जीवन के जो उनके साथी हैं वह गरीब थे, इसलिए गरीब के बीच में पहले प्रसाद जाए। बहुत बढ़िया। तो ये आपने देखा कि आप अयोध्या के सांसद हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हर घर तक प्रसाद पहुंचाने की जिम्मेदारी है और कल शाम से ये प्रसाद बंटना शुरू हो जाएगा। गरीब को पहले मिलेगा, अमीरों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, शायद भगवान राम की यही इच्छा है। अबुल के साथ गौरव और रोहित के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। तो प्रधानमंत्री मोदी कल अयोध्या आएंगे और इस दौरान भी मोदी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम के बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर ये बताएं कि 5 अगस्त यानी कि कल सुबह तकरीबन 9:35 से दिल्ली से प्रस्थान होंगे। सुबह 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर उनकी लैंडिंग होगी। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि 10:40 पर हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए वो दबाना होंगे, प्रस्थान करेंगे। सुबह 11:30 पर अयोध्या के साकेत कॉलेज के हेलीपैड पर वहां पर उनकी लैंडिंग होगी। सुबह 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर 10 मिनट तक वो दर्शन पूजन करेंगे, सबसे पहले हनुमान जी के वो दर्शन करेंगे। दोपहर 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचने का प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है।
10 मिनट में रामलला विराजमान का दर्शन पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करने वाले हैं। दोपहर 12:15 पर रामलला परिसर में परिजात का पौधारोपण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा होगा। दोपहर 12:30 पर भूमि पूजन कार्यक्रम का ये शुभारंभ होगा। 12:40 पर राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि 2:05 पर साकेत कॉलेज हेलीपैड के लिए प्रस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दोपहर 2:20 पर लखनऊ के लिए उड़ेगा ये हेलीकॉप्टर। क्योंकि शुभ मुहूर्त पर ये शिलान्यास होगा और ऐसे में मिनट टू मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, क्योंकि पहले श्री राम के परम भक्त भगवान हनुमान के दर्शन वो करेंगे, वहां पर नमन करेंगे और उसके बाद वो वहां पर पहुंचेंगे जहां पर पूजन होना है। जन्मभूमि परिसर पहुंचने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिस घड़ी का सालों से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। भूमि पूजन में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में दुल्हन की तरह अयोध्या नगरी सजी हुई है। राम की नगरी का कोना कोना मन को मोह लेने वाला है। अयोध्या में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। इससे जुड़ी हुई चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मनमोहन सरयू भव्य राम की पैड़ी, दीपोत्सव की तैयारी और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं वो भी आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। इस वक्त राम की नगरी राममय हो चुकी है, क्योंकि सरयू का इंतजार इस अयोध्या नगरी ने किया, सरयू ने किया, लेकिन अब वो जो इंतजार है वो आखिरकार खत्म होता हुआ और कल वो घड़ी आएगी। ये ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी पूरा देश बनेगा, समूचा विश्व बनेगा। किस तरीके से वहां पर इंतजाम किए गए हैं, अयोध्या के कण कण में राम है और आज वो जो अयोध्या है वो खिलखिला रही है, वो चहक रही है, क्योंकि उसने लंबा संघर्ष देखा है। लेकिन अब अयोध्या की जो किस्मत है वो बदलने वाली है और जिस पल का अयोध्या ने बेसब्री से इंतजार किया है वो पल बहुत नजदीक है। 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में अयोध्या की हर छटा से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। किस तरीके से सरयू का नजारा है राम की पैड़ी में, किस तरीके से भव्यता देखने को मिल रही है वो भी आपने तस्वीरों के जरिए देखी। अयोध्या में इस वक्त हर तरफ राम धुन है। कल जहां पर गणेश पूजन से रामोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं आज राम जन्मभूमि में रामार्चा पूजन का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ी में भी विशेष पूजा की गई। दूसरी ओर हनुमानगढ़ी में अखाड़ों के निशान पूजन का कार्यक्रम भी हुआ। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रामार्चा पूजन का आयोजन, हनुमानगढ़ी में विशेष पूजा अर्चना की गई, निशान पूजन भी हुआ, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यह अपने आप में एक शुभ अवसर है और इसको लेकर, क्योंकि अनुष्ठान शुरू हो चुका है आज इसका दूसरा दिन, और इसको लेकर किस तरीके से तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो कल राम मंदिर का भूमि पूजन है और इसको लेकर हनुमानगढ़ी में विशेष पूजा अर्चना कर हनुमान जी की पूजा की गई है। इसके पीछे क्या कुछ विशेषताएं हैं सुनिए। विगत कैसों वर्षों की परंपरा रही है और विगत कितने हजारों वर्ष के संघर्ष के बाद, विगत 400 वर्षों की लड़ाई के बाद, विगत 70 वर्षों से प्रतीक्षा करने के बाद ऐसा अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। हनुमानगढ़ी में नागा साधु रहते हैं, निर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत आता है और वैष्णव समाज के हम लोग मानने वाले हैं, जानने वाले हैं। आज हनुमानगढ़ी में राम जन्मभूमि निमित्त निशान, जो हमारी जो विजय स्तंभ है, हनुमान जी महाराज उसमें विजय ध्वज के रूप में विराजते हैं। और कोई धार्मिक अनुष्ठान कार्य करना होता तो हनुमान जी को पहले निमंत्रण देना पड़ता है, उनको मनाना पड़ता है। उसके तहत आज हनुमान जी को मनाया गया है, निमंत्रण दिया गया है कि आपके ठाकुर जी को जो मंदिर निर्माण होना है, भूमि पूजन होना है, उसके सारे विघ्न बाधे दूर हों, इसके नाते हनुमान जी महाराज का आज निशान पूजन हुआ है। तो अयोध्या में कल होने वाले भूमि पूजन को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इसका जायजा लिया मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह ने, रिपोर्ट देखिए।
अयोध्या भूमि पूजन से पहले अगर देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाती है अयोध्या में तो किस तरह से है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पे है, पुलिस के जवान जो है वो मुस्तैद है, बारी बारी से गाड़ियों को रोका जा रहा और कोई भी गाड़ी जो इधर से आ रही है उसको सीधे लौटा दिया जा रहा है, क्योंकि वो प्रवेश द्वार है जो राम जन्मभूमि स्थल को जाता है, हनुमान नदी के पास जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी जब कल आएंगे तो वो इसी मार्ग से इस मार्ग से ना आकर वो सीधे फैजाबाद एयरपोर्ट से आकर एंट्री लेंगे। और यहाँ पर मैं दिखा दूँ, यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। सारा ये जो चेक पोस्ट बनाया गया है यहाँ पर लगातार जो है तलाशी और चेकिंग अभियान जो है पुलिस के जवान यहाँ पर ले रहे हैं। और अगर बात की जाती है मीडिया की तो मीडिया का जो दस्ता है उसे भी हर राम पौड़ी पे ही रोक दिया जा रहा है और उन्हें भी अनुमति नहीं है कि इसके आगे वो उनका कोई भी गाड़ी जो है वाहन उनकी मीडिया कर्मी की भी जाए। ऐसे में आप देख सकते हैं अयोध्या के जो निकट जो गोरखपुर और गोंडा का जो मार्ग है वो यहाँ पर आता है और यहीं से वो एंट्री पॉइंट बनाया हुआ है, यहाँ पर चेक पोस्ट लगा हुआ है। और आप पूरा का पूरा जो सुरक्षा व्यवस्था आप लगातार देख रहे हैं कि किसी को भी यहाँ पर जो अयोध्या वासी हैं उनके पास भी फायदा पास होना चाहिए यहाँ का, उनका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है तब उन्हें अंदर जाने की वजह से। बाहर कोई भी व्यक्ति यहाँ का जो आ रहा है उसको यहाँ पर अनुमति नहीं है कि वो अंदर प्रवेश करेगा। और 12 बजे से ये जो पूरा ये जो चेक पोस्ट है वो पूरी तरह से सील हो जाएगी अयोध्या नगरी में, क्योंकि प्रधानमंत्री के जो दौरा है उसको देखते हुए और भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए जो है यहाँ पर अधिकारी हर प्रति घंटे जो है यहाँ पर चप्पे चप्पे पर निगरानी के साथ साथ उनके हालात पर और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं अयोध्या से। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं अयोध्या में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारी है। विस्तृत रूप से ग्राफिक्स के जरिए जरा समझने की आप कोशिश कीजिए। आपके टीवी स्क्रीन पर राम जन्मभूमि और हनुमान गढ़ी में SPG सुरक्षा। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी जानकारी दे कि भूमि पूजन का जो पंडाल है वो भी पूरी तरीके से SPG सुरक्षा घेरे में ही होगा। बाहरी घेरे में UP पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षा देगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह जानकारी दे कि कार्यक्रम के दौरान 3500 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी, तो ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। घरों और इमारतों की छतों में स्नाइपर्स तैनात रहेंगे। तो अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन में। ऐसे में सरयू तट का नजारा देखते बन रहा है। सरयू की लहरें हर इंसान के मन में उत्साह और उमंग भर रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह ने सरयू मैया के मनमोहक दर्शन का जायजा लिया। आप भी देखिए कि वो दृश्य क्या है, कि कैसे इसकी महत्ता है, जो इसका विश्लेषण करूं अगर मैं तो ये अयोध्या नगरी आपको इस माँ सरयू नदी नीचे देखिए ये पुल है और इसके नीचे जो पूरी जो उनकी धाराएं हैं वो बह रही हैं और वो धाराएं इतनी पवित्र हैं कि उसी के तट पर पूरी अयोध्या नगरी बसी हुई है। और तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाऊं कि किस तरह से अयोध्या में पूरे आप देख लीजिए कि जो वैभवता है उसकी जो महत्ता है वो मंदिर और जो पूरे मठ और सब आपको इन तस्वीरों से दिख रही है कि सरयू के तट पर पूरी अयोध्या की नगरी बसी हुई है। वो अयोध्या जहाँ भगवान श्री राम की भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त को हो रहा है, जिसका शिलान्यास स्वयं देश के प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और उनका इंतजार हो रहा है। और हम अयोध्या का पल पल का आपको अपडेट और इससे जुड़ी वो सारी कहानियाँ और कथाएँ आपको एक एक स्थल से जुड़कर दिखाते रहेंगे। और हमारा जो ये कार्यक्रम है और ये पूरा जो ढांचा है जो अयोध्या का, जो पूरी की पूरी किस तरह से अयोध्या के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और कौन कौन सी कथाएँ हैं जो जुड़े हुए हैं साधु संतों से लेकर के जो भी यहाँ पे जो धार्मिक स्थल रहे हैं उनकी हम आपको एक एक कथाएँ जोड़ करके और इसके एक एक स्थल से जो कथाएँ हैं जो उसकी एक एक इतिहास है वो आपको अपडेट देते रहें। देखिए वो तो रामोत्सव से जुड़ी हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, आगे भी दिखाएंगे। अयोध्या की हर एक छटा से अभी तक हमने आपको रूबरू करवाया है, आगे भी करवाएंगे, लेकिन इस खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी